जैन दर्शन में जो ब्रह्मांड की कल्पना है जी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र बताए हुए हैं, समुद्र का अलग है, पर्वतों का अलग है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग मानचित्र हैं उनके जी, तो वो उनका एक प्रतीकात्मक ये चित्र है। क्या बात है, क्योंकि एंट्री में ही है ये जी हाँ। ये आप देखेंगे यहाँ से जब आप एंटर कर रहे हैं जी, तो उस गेट से, मेन गेट से ही इसको एंटर करते हुए मिला है। और वो जो उन्होंने दर्शाए हुए हैं कोरिया साहब ने जी जी, चार्ल्स कोरिया ने इसको 1984 में इसका पहले बनना आरंभ, मतलब वो विचार पहले उत्पन्न हुआ था 1984 हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, भारत भवन बन चुका था भोपाल में। अच्छा। और भारत भवन इतना बड़ा सेंटर था फॉर परफॉर्मिंग आर्ट कि वहाँ दुनिया भर के लोग एसोसिएटेड थे, हुसैन से लेकर के और रजा साहब से लेके अशोक वाजपेयी उसके सेक्रेटरी थे वहाँ आर्ट एंड कल्चर के मध्य प्रदेश में। तो भारत भवन में उन्होंने एक वो जो बिल्डिंग बनाई थी जी, उससे डिफरेंट कैसे हो, ओके ये था। तो बहुत सारे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये तय किया कि जयपुर का जो सिटी आर्किटेक्चर है, टाउन प्लानिंग है, वो नवग्रह मंडल पर आधारित है। नवग्रह मंडल ये है जो कि हमारी पूजाओं में और हिंदू धर्म में जब भी कोई आप वो करते हो स्थापित करते हो तो नवग्रह मंडल ये है, इसमें नौ ग्रह हैं। किंतु जयपुर में यहाँ एक पहाड़ है जी, ये देखिए, इसकी वजह से उन्होंने ये जो मंडल है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, राजमहल का परिसर जिसमें है, हवा महल और राजमहल वाला है। तो इस ये एग्जैक्टली तो ये नवग्रह मंडल के प्लान पर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक फिजिकल बैरियर है पहाड़ का जी जी, और जयपुर ऐसा बसा हुआ है लगभग आगे मान लीजिए ये नारगढ़ है जी जी जी, परफेक्ट वाह। ये जयपुर सिटी है 1727 का चौपड़ है। ये जो है ये 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 सिटी पैलेस, सिटी पैलेस वाला एरिया होना चाहिए, नहीं या हाँ इसको अगर यहाँ कन्वर्ट किया तो यहाँ कुछ बोला ना आपने, ये क्या है? हाँ ये है ना, ये हाँ। ये वाली जो चौकड़ी है जी 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 जी, ये चौकड़ी रामचंद्र जी की कहलाती है, ओके। और ये ब्रह्मपुरी वाला एरिया है, ये वाला सारा, ओके। ये गेटोर वेटोर इस तरफ है, ये आवे रोड वाला एरिया है, और ये चौपड़े हैं, छोटी चौपड़ है, ये बड़ी चौपड़ है, ये रामगंज चौपड़ है, ओके। ये चौड़ा रास्ता है, ये वाला चौड़ा रास्ता है, ये एमआई रोड है पूरी, ये बाद में बनी है। तो उसके कॉन्सेप्ट पे इसको लिया है, उसके कॉन्सेप्ट पे उन्होंने लिया कि हमने जयपुर की जो आर्किटेक्चरल इमेजिनेशन है उसको रेप्लिकेट करते हुए हम जयपुर में ऐसी चीज़ बनाएं जो भारत भवन से अलग हो। भारत भवन का नक्शा तो आपने देखा है कि उसमें बौद्ध जो स्तूप वगैरह होते हैं उनके आधार पर उन्होंने वो स्तूप वगैरह दिए हैं सारे जी जी जी, लेकिन विशेषता ये रखी है सभी भवनों में कि दिन में रोशनी जलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़े, ओके। और सनलाइट ऐसी हो, स्पेसेस ऐसे हों जिसमें कि आपको नेचुरल लाइट मिल जाए, और इवन लाइब्रेरी में भी आप अगर देखेंगे, क्या बात है। तो ये जो चित्र है ये भी बेसिकली एक मिनिएचर पेंटिंग का ही एक बड़ा रूप है, जिसमें कि कुछ सिंबल्स हैं, तांत्रिक सिंबल्स हैं, जैसे चंद्र है, नेत्र है, सूर्य है, और दूसरे स्थान हैं, सारे सारे दिखाए हुए हैं। तो उसकी वजह से ये तांत्रिक जो आर्ट है, तंत्र आर्ट, उसका ये 18th century का कोई जयपुर का कोई पुरानी पेंटिंग है, उसका रेप्लिकेशन जी जी। इसके जो सारे वो हैं पिलर्स और सेक्शंस वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से लेके वहाँ तक भी अगर आप देखिए, और जहाँ जहाँ आप धूप और छाया का खेल देखेंगे वहाँ आपको बहुत जी जी अच्छा। जबकि आज के दिन जो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट जो आ गया है, क्या बोलते हैं जिसको हम फ्लैट्स वाली संस्कृति कहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट जो हाउस हुआ करते थे उसका एनर्जी लेवल और वो कितना डिफरेंट आया लगे फील किया जा सकता। बिल्कुल, आप जो ही एनकाउंटर करते हो किसी पुराने पैलेस में या उसमें गढ़ में जी जी, आपको पता लग जाता है कि वो क्या चीज़ है। हाँ, ये वाली चीज़ है। तो उस रूप में अगर देखा जाए तो उस बात को एहसास किया जा सकता है कि इस बिल्डिंग का जो एनर्जी लेवल है या एस्थेटिक है या उसका लैंडस्केपिंग है वो अपने आप में इतना खूबसूरत है, बहुत सुंदर, जो आने वाले को इतना सुखद एहसास दिलाता है। ये पेड़ खासतौर पे जो लगवाए गए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत बड़े अधिकारी थे जी, एडिशनल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जी, तो उनकी दिलचस्पी ये थी कि मिनिएचर पेंटिंग्स में जिस तरह के पेड़ होते थे, अच्छा, मिनिएचर पेंटिंग्स में मुगल पेंटिंग्स हैं, राजस्थानी पेंटिंग्स हैं जी जी जी, उसमें जिस तरह के
पेड़ होते थे जी जी, उसकी कॉपी करके उस तरह के पेड़ ऐसे लगाए जाएं। अगर यहाँ से आप खींचिए इसको देखिए, तो ये अपने आप में इतना बहुत सुंदर परफेक्ट जी जी बनता है, इतना भी अपने आप में ब्यूटीफुल। तो ये भी सोच समझ के इसमें प्लांटेशन और ये ग्रीनरी और ये सब किया गया, शुरू में बहुत ध्यान रखा। एक तरह से पूरा रिसर्च वर्क है, बिल्कुल ठीक है। जो एजुकेशन जो किताबें पढ़ा रहे हैं ना, उसको अगर इसको प्रैक्टिकली इस तरह से उनको कुछ असाइनमेंट दिए जाएं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी एक फोटो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन लैब होना चाहिए आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में। और उसमें क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया जाए, क्योंकि जयपुर इतना अच्छा सिटी है, यहाँ पर रोजाना कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, तो स्टूडेंट्स जाएं एक टीम बना के, चार जनों की छह जनों की, और वो एक्सपर्ट अच्छा जो आ रहे हैं उनके इंटरव्यू कर करके लाएं। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है आपका, बहुत अच्छा सुझाव है जी। हम लोग अभी यहाँ एक जो ओपन एयर थिएटर एम्फी थिएटर जिसको कहते हैं जी, वो उसमें है मध्यवर्ती इसका शीर्षक है। और दूसरा राजस्थान में जो बावड़ी परंपरा अपने रही है जी, जिसमें कि स्टेप वेल बना के एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक नीचे तक पानी तक उतरने के लिए, क्या बात है, जैसे उसी का आबानेरी में बहुत प्रसिद्ध बावड़ी है, हर्षनाथ का मंदिर है और आबानेरी बावड़ी है जी जी। राजस्थान में बहुत बड़ी बावड़ी तो आपने देखी है, जो कि फिल्मों में भी आई है जी जी जी। तो उसके आर्किटेक्चर से प्रेरित ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, जिसमें कि ओपन एयर आप कुछ एक्टिविटीज डांस म्यूजिक की कर सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं जी। तो काफ़ी बड़ी स्पेस है जिसमें कि मेरे ख्याल से 1000 आदमियों से भी ज़्यादा लोग ब्यूटीफुल इसमें बैठ सकते हैं। दोस्तों, आज रविवार की सुबह है, जवाहर कला केंद्र में कुछ खास है। खास इसलिए कि आज हम मुलाकात कर रहे हैं प्रदेश ही नहीं देश के ख्यात कवि, लेखक व कला मर्मज्ञ श्री हेमंत शेष साहब से, जो कि सेवानिवृत्त IAS हैं। आज हम बात करना चाहेंगे हेमंत शेष साहब से जवाहर कला केंद्र और कलाओं से जुड़ी कुछ अन्य बातों से के बारे में। तो स्वागत है सर। धन्यवाद महेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि हम जवाहर कला केंद्र से संबंधित कुछ बातचीत आपसे करना चाह रहे हैं जी। जैसा कि नाम से ही साफ है, जवाहर, जवाहर कला केंद्र। तो कला केंद्र जब आता है तो पहली बात आती है कला की। तो हम सबसे पहले अपने दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहेंगे कि आखिर कला से अभिप्राय क्या है। बहुत अच्छा और गहरा सवाल है, और ये बहुत लंबे उत्तर की मांग करता है, किंतु यहाँ हम केवल संक्षेप में ही अपनी बात कहेंगे जी। जहाँ तक भारतीय वर्गीकरण का सवाल है, वात्स्यायन जैसे ऋषियों ने हमारे यहाँ 64 कलाएँ बताई हैं, लेकिन अगर पश्चिमी मत से सोचें या पश्चिमी वर्गीकरण की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि मुख्यतः सारी कलाओं को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो चाक्षुष कलाएं या विजुअल आर्ट्स, और दूसरा है प्रदर्शनकारी कलाएं या परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो संगीत और नृत्य आदि आदि ये सब कलाएं प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, नाटक प्रदर्शनकारी कला है, चित्रकला और स्थापत्य मूर्तिकला ये सब विजुअल आर्ट्स में वर्गीकृत हैं। तो कला अपने आप में बहुत बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है, और इसके लिए तो भर्तृहरि ने भी कहा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात ऐसा जानवर है जिसके सींग और पूंछ नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। अब कला की अभिप्राय के बाद में हम जानना चाहेंगे कि कलाओं का समाज से सीधा क्या संबंध है। महेश जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये कि दोनों का संबंध आपस में इतना गहरा है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। कलाएं ही समाज से उत्पन्न होती हैं,
और समाज कलाओं से विकास करता है, अपनी सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत करता है और एक सभ्य समाज में बदलता है। जिस समाज में कलाओं का कोई मूल्य नहीं है या जहां कलाओं की कोई जगह नहीं है, वो समाज फिर पशु समाज से भी बुरा है। इसलिए कला और समाज का संबंध तो अनंत काल से चल रहा है। आप ये देखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्रकला, जो कि गुफाओं में लाखों साल पहले का जो आदि मानव है, वो भी जो अपने समूह में रहा करता था, उसने भी अपनी गुफा के की दीवारों पर गेरू से या कोयले से या और किसी चीज़ से चित्र बनाए। तो इसका मतलब कि कला की जो ऊर्जा है, कला की अभिव्यक्ति की चाहना है, मनुष्य की एक तरह से संस्कार भूत चाहना है, और हर मनुष्य मूलतः है एक सृजनशील कलाकार है और उसकी चेतना समय समय पर अनेक कारणों से अलग अलग ढंगों से विकसित होती है, लेकिन समाज का और कला का संबंध बहुत बहुत गहरा है। मैं वापस पहले सवाल की तरफ आना चाहूँगा जी, कि कला के अभिप्राय हमने जाने हैं, लेकिन एक आम आदमी को समझने के लिए उसको मदद मिले, उस नज़रिए से मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि कला की वो कौन सी विशेषता है कि किसी भी चीज़ को देख के हम उसको कहने पे मजबूर होते हैं कि ये कला का नमूना है। वो ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो कि अपने होने मात्र से ही आपको आकर्षित कर सकती हैं। जैसे कोई बहुत लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रेट अगर कोई है, या कोई बहुत बड़ी आकृति है, या कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो तो एक अनजान आदमी को भी एक तरह से आकर्षित कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कलाओं का संबंध संस्कार से बहुत ज़्यादा है। जितने संस्कारित आप होंगे, उतने ही आप उन कलाओं के प्रति उत्सुक भी रहेंगे और उनके प्रति आप संवेदनशील भी ज़्यादा हो सकेंगे। मतलब ट्रेनिंग की आवश्यकता सबसे पहले है कला को सीखने के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि किसी व्यक्ति ने पिकासो जैसे महान कलाकार से पूछा कि आपकी एक पर्टिकुलर पेंटिंग तो मुझे समझ में ही नहीं आती कि आपने क्या बनाया है जी। तो पिकासो ने उससे पूछा कि क्या आपको मैंडरिन भाषा, चाइनीज़ भाषा आती है? तो अगर आपको चाइनीज़ भाषा नहीं आती तो मेरी पेंटिंग भी आप नहीं समझ सकते। यानी कि आपको किसी चीज़ को समझने के लिए कुछ संस्कार की ज़रूरत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझने के लिए आपको उसके बुनियादी जो तथ्य हैं, बुनियादी उसकी शर्तें हैं या बुनियादी आधारभूत अवधारणाएँ हैं, उनको समझना पड़ेगा। पेंटिंग को समझने के लिए आपको बाकायदा लाइट एंड शेड, पर्सपेक्टिव, कलर, लाइन, इनके आर्ट को समझना पड़ेगा। फोटोग्राफी का मतलब ही स्टडी ऑफ लाइट है, तो फोटोग्राफी को सीखने के लिए आपको लाइट एंड शेड के बारे में सीखना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव के बारे में सीखना पड़ेगा, एंगल के बारे में सीखना पड़ेगा वगैरह। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको एक ख़ास ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और बचपन से अगर आप संस्कारित होना सीखते हैं या आपको सिखाया जाता है तो आप कलाओं के प्रति ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। लेकिन इसका संबंध एक तरह से एक नैसर्गिक रूप से जो सुंदर चीज़ है वो किसी को भी सुंदर लग सकती है, चाहे उसके पीछे उसका कोई संस्कार हो या ना हो। जैसे एक सुंदर फूल, एक रिक्शे वाला भी उसको देख के सराह सकता है उसकी ब्यूटी को, और एक बहुत बड़ा चित्रकार भी उसको देख करके खुश हो सकता है। तो इसका संबंध दोनों दृष्टियों से, दोनों ढंग से है। धन्यवाद। अब तीसरा सवाल उभरता है सर कि कलाएं जो हैं वो इंसान को किस तरह से समृद्ध करती हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कलाओं से आखिर मनुष्य में क्या जुड़ता है जी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कलाओं के होने से मनुष्य को मनुष्य होना सीखना सबसे ज़्यादा सुगम लगता है। वाह। कि हम आदमी हैं, हम ईश्वर का एक अंश हैं, हम प्रकृति का एक अंश हैं, और हम इस सारे विराट सृष्टि विज्ञान में, इस सारे ब्रह्मांड में बहुत एक छोटे कण की तरह से हैं, ये सीखने का अवसर आपको मिलता है। क्योंकि कभी भी हमारे यहाँ ऐसा विश्वास नहीं रहा कि मनुष्य सारी सृष्टि के केंद्र में है, बल्कि भारतीय दर्शन और मनीषा तो ये कहती है कि मनुष्य इस सारी पृथ्वी का, इस सारे ब्रह्मांड का बहुत ही अकिंचन भाग है। जबकि विदेशी फिलॉसफी ये नहीं मानती है, वो ये कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दोहक भी है,
वो उसको अपनी तरह से चेंज भी कर सकता है, जो कुछ है वो मनुष्य है, मनुष्य ने ही सारा सर्जित किया है, सारी सारी सभ्यता और संस्कृति मनुष्य की रचना है। तो मनुष्य को केंद्र में रख के वहाँ सारा दर्शन विकसित हुआ, जबकि हमने प्रकृति को और दूसरी चीज़ों को, जिसमें कि और दूसरी अवधारणाएं भी हैं, वो उनको महत्वपूर्ण माना, चाहे उसमें आस्तिकता का अंश हो या ईश्वर का कोई अंश हो या ब्रह्म जिसको कहा गया, तो वो अपने आप में अपने से कोई बड़ी चीज़ के प्रति उत्सुकता, ये हमारा भाव रहा। तो उस दृष्टि से हम जब भी कलाओं की बात करते हैं तो एक तो हमको अपने अकिंचन होने का एहसास होता है कि हम बहुत छोटे हैं, और दूसरा ये कि हमको कई तरह से उसकी लयात्मकता, उसका सौंदर्य, उसकी सौष्ठवता, उसका प्रोपोर्शन, उसकी लय, उसकी ताल, उसकी गति, वो सब आकर्षित करती है। और मनुष्य के भीतर जो कुछ स्वाभाविक रूप से लयात्मक है, संगीतात्मक है, जो सुंदर है, उसको आकृति देने में हमारी कलाएं हमारे साथ हमेशा रहती हैं और हमें सहायता करती हैं। सर, कलाओं के लिहाज से मेरे ख्याल में एक जो बात कही गई है कि इंसान की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों का कला के साथ क्या सीधा रिश्ता है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आप इनके माध्यम से ही तो किसी संवेदना को ग्रहण कर रहे हैं। जी जी जी, आँख से आप देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, जी जीभ से चख रहे हैं, स्पर्श से आप उसको छू रहे हैं, किसी भी चीज़ को छू रहे हैं, आदि आदि। तो हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो तो चाक्षुष अनुभव ही है, ज्ञानेंद्रिय अनुभव ही है, और हम ग्रहण जब करते हैं, जो भी चीज़ हम ग्रहण कर रहे हैं वो केवल इन इंद्रियों के माध्यम से ही कर रहे हैं। इसलिए कला के रस को ग्रहण करने का माध्यम हमारी इंद्रियाँ हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण यंत्र है वो ये है कि कला के संबंध में आपकी जिज्ञासा, आपका संस्कार, कलाओं के संबंध में आपने अपने आप को कितना उत्सुक और कितना संवेदनशील बनाया है, और कलाएं अंततः आपको कहां कहां से छू सकती हैं, उन गहराइयों तक भी अगर आप जा सकें तो आपको फिर ज्ञानेंद्रियाँ और आपकी सारी जो आपने जिनकी बात की वो आपकी सहायता करती हैं। तो अगर देखा जाए तो एक बात चीत से जो बात निकल के आ रही है उसमें इंसान की जो संवेदनशीलता का जो स्तर है वो सबसे अहम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि संवेदनशील तो होना ही चाहिए हर मनुष्य को, और अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने समय के प्रति। जी, और दूसरा ये कि अपने अस्तित्व से हम अपने समाज को अपनी रचनात्मकता से किस तरह से संपन्न कर सकते हैं। जी, क्योंकि कला की परिभाषा एक ये भी है कि कला दरअसल प्रकृति में जो नहीं है उसमें वो एक तरह का कंट्रीब्यूशन या योगदान है। अच्छा, प्रकृति ने तो जो कुछ दिया है वो आपके सामने है, किंतु कलाकार प्रकृति में कुछ जोड़ रहा है। वाह, वो मूर्ति शिल्प के रूप में, चित्र के रूप में, कहानी के रूप में, कविता के रूप में, साहित्य के रूप में, संगीत के रूप में, नृत्य के रूप में, क्योंकि प्रकृति में वो नहीं है, वो मनुष्य ने सर्जा है, लेकिन वो आपकी प्रकृति के साथ एक तारतम्य जोड़ रहा है और आपको मनुष्य बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत सुंदर बात कही आपने सर। अब हम आ रहे हैं जौहर कला केंद्र के बारे में बात करने। जी, तो हम सब जानना चाहेंगे कि जौहर कला केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, ये मुझे भी इस कार्यालय के साथ और इस केंद्र के साथ आरंभिक वर्षों में जुड़ने का मौका मिला और कुछ आरंभिक पदस्थापन भी मेरा इस यहाँ रहा, तो उस दृष्टि से तो मैं कह सकता हूँ कि जो विभिन्न कलाएं हैं उनके प्रति आम आदमी की रुचि को विकसित करने के लिए और कला समाज को और संपन्नतर बनाने के लिए, कलाकारों को प्रदर्शन के अवसर देने के लिए और पूरे समाज में एक व्यापक रूप से कला चेतना जगाने के लिए इसका एक तरह से इस संकल्पना का जन्म हुआ था। और ये केंद्र अपने आप में भारत में कोई पहला केंद्र नहीं था, इससे पहले भी दूसरे राज्यों में इस तरह के केंद्र स्थापित हो चुके थे, किंतु राजस्थान में
पूरी तरह से पूर्णकालिक संगठन के तौर पर जवाहर कला केंद्र 1992 में निर्मित होके उद्घाटित हुआ, और इसके पहले भोपाल में जो भारत भवन था उसके निर्माता यानी कि उसके आर्किटेक्चर के निर्माता और उसको बनाने वाले वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने ही इस भवन को भी बनाया। तो उद्देश्य तो ये था कि जितनी भी प्रदर्शनकारी और चाक्षुष कलाएं हैं उनके प्रदर्शन का एक समन्वित मंच यहाँ लोगों को प्राप्त हो जाए, लोग अपना काम करें, वर्कशॉप एरिया में संगीत की सभाएं हों, साहित्य के अलावा, क्योंकि भारत भवन में साहित्य एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ एक है और उनकी स्ट्रेंथ भी साहित्य है, किंतु साहित्य को छोड़कर अन्य कलाओं के लिए ये सेंटर बनाया गया। और इसका उद्देश्य यही था कि वो कला चेतना का विकास करें और सांस्कृतिक हमारी जो संपन्नता है उसको और विकसित करें। सर, एक तरह से अंतिम सवाल कि आज लगभग 3 दशक के बाद जवाहर कला केंद्र अपने उन उद्देश्यों को पाने में कितना सफल रहा है? इसमें बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया है मेरी जी। एक समय ऐसा भी रहा जब यहाँ बहुत सक्रियता थी, और एक समय ऐसा भी रहा जो ये निरंतर ये केंद्र कलाकारों की और संस्कृति कर्मियों की आलोचना का शिकार भी रहा। तो इसका भाग्य चक्र एक ढंग से नहीं चला। यहाँ प्रशासनिक तौर पर जो जो परिवर्तन होते गए उनका भी अच्छा या बुरा प्रभाव इस केंद्र के कार्यकलाप पर पड़ा। यहाँ मुझे याद पड़ता है कि विजय वर्मा साहब जैसे बहुत वरिष्ठ और बहुत समझदार और जहीन और बहुत बहुत लोक कलाओं के संबंध में, साहित्य के संबंध में समझ रखने वाले एक बड़े प्रशासक हुए जिन्होंने इसका संविधान भी बनाया जी, इसके उद्देश्यों को परिभाषित किया और एक ट्रस्ट के रूप में या समिति के रूप में इसके उद्देश्य क्या हों, कार्यप्रणाली क्या हो, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएँ क्या क्या बने, ये भी उन्होंने कोशिश की। किंतु बीच बीच में जो प्रशासनिक तौर पर परिवर्तन होते गए जी, उनके आधार पर यहाँ एक रूप दृष्टि से एक रूपता की दृष्टि से और कार्यक्रमों को संगठित ढंग से चलाने की दृष्टि से कोई काम विशेष रूप से कई बार बीच में नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से बहुत सारे कलाकारों को अवसर तो मिले लेकिन बहुत सारे कलाकारों से असंतोष भी इस केंद्र को प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि एक खट्टी मीठी और एक नमकीन मीठी सी यात्रा है इस कला केंद्र की, और अब जबकि 30 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, 3 दशक में इस केंद्र ने बहुत कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, अब यहाँ बहुत सारे लोग अब आने लगे हैं, भी कोशिश की जानी चाहिए कि विभिन्न माध्यमों से इसके प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए और बड़े पैमाने पर बड़े सुसंगठित ढंग से कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। आपका साहित्य और कलाओं से इतना पुराना संबंध है, इतना गहन अनुभव आपके पास है, तो हम जानना चाहेंगे आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे सुझाव देना चाहें इस जवाहर कला केंद्र के लिए कि वो आने वाले समय में कुछ मदद मिल सके। मैं समझता हूँ कि एक तो कलाओं की जब हम अंतः अनुशासनिकता की बात करते हैं कि वो इंटरडिसिप्लिनरी हैं, आपस में संबद्ध हैं सारी कलाएं, तो उसमें साहित्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। और साहित्य एक बहुत बड़ी सत्ता है जिसका कि पाठक वर्ग बहुत व्यापक है, और दृश्य और अदृश्य रूप से साहित्य संसार के हर कोने में पहुंचता है। तो साहित्य के लिए भी एक तो जवाहर कला केंद्र में बड़ी आवश्यकता है, इस बात की ज़रूरत है कि साहित्य के लिए कोई ज़रूरी जगह यहाँ बनाई जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिससे कि अखिल भारतीय स्तर पर यहाँ 6 लोगों को जोड़ा जाए और उनको बुलाया जाए। दूसरी बात यह है कि इसका चरित्र अभी भी स्थानीय ही है, या तो ये भारत भवन जैसे कार्यक्रमों की एक तरह से ख़राब नकल है, या फिर यहाँ मौलिक ढंग से सोचे जाने का अवकाश अब भी बना हुआ है। अगर इस केंद्र को भारतीय स्तर पर अगर एक अच्छा केंद्र होना है
तो सारे कला केंद्रों की एक एक अच्छाई को यहाँ उतारा जाना चाहिए। मान लीजिए किसी एक्स केंद्र में कोई एक चीज़ अच्छी है तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि उस अच्छी चीज़ को यहाँ लाया जाए। सुंदर। तीसरी बात ये कि इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार की योजनाएं काम में ली जानी चाहिए और इसके लिए हर तरह से प्रयास किया जाना चाहिए कि इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक, पर्यटक, विदेशी पर्यटक, कलाओं में रुचि रखने वाले लोग यहाँ आएँ, उनको यहाँ बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और कोई ऐसी योजनाएं चलाई जाएँ जिसमें कि वार्षिक पुरस्कारों से लेके प्रदर्शनकारी समारोहों की ऐसी श्रृंखला चलाई जाए जिसमें कि हर साल कुछ न कुछ निश्चित कार्यक्रम। मान लीजिए कि हम ये तय करें कि हम जुलाई में एक महीने का पूरा शास्त्रीय संगीत का ही कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो एक महीने तक शास्त्रीय संगीत के सारे कलाकारों को यहाँ बुलाया जाए, एक महीने पेंटिंग पे ध्यान दिया जाए, एक महीने स्कल्पचर पे ध्यान दिया जाए। तो इस तरह से कलाओं को बांटते हुए भी हम एक बार गहनता से अपने अपने क्षेत्रों में इंटेंस अनुभव प्रेक्षकों को, दर्शकों को दे पाएंगे। तीसरी बात यह है कि लोक कलाओं के लिए जितनी जगह और अवकाश होना चाहिए, लोक साहित्य के लिए, लोक कलाओं के लिए, लोक नाट्यों के लिए, वो भी इस केंद्र से अब तक बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारी जो राजस्थान की बड़ी लोक परंपरा है उसको भी एक तरह से उसकी खुदाई की, उत्खनन की इसकी ज़रूरत है और उन कलाकारों को भी, लोक कलाकारों को, लोक साहित्य को, लोक वार्ताओं को, लोक विशेषज्ञों को भी इस केंद्र से जोड़ा जाना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने। तो दोस्तों, आज आप मिल रहे थे देश के ख्यातनाम कवि, लेखक व कला मर्मज्ञ श्री हेमंत सेठ साहब से। आगे भी हम प्रदेश और देश के कुछ ख्यातनाम लोगों से आपकी यूं ही मुलाकात कराते रहेंगे। धन्यवाद।